तस्वीरों में देख रहे हैं ड्राई फ्रूट पड़ा है, मूंगफली पड़ी है, बर्फी पड़ी है, लड्डू पड़े हैं, पेड़े पड़े हैं, छोले पड़े हैं, रसबरी, जलेबी और पेठे और गुलाब जामुन पड़े हैं। ये किसी इंसानों के लिए किसी को 56 भोग नहीं लगाया जा रहा, भगवान को नहीं लगाया जा रहा, बल्कि गौ माता को 56 भोग का भंडारा जो है आज लगाया जा रहा है। ये 56 भोग जो है गौओं के लिए लगाया जा रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं शुरू से लेकर एंड तक जो है फल फ्रूट पड़े हैं, सब्जी पड़ी है और दलिया पड़ा है, और साथ में यहाँ पर आप कटी हुई सब्जी देख सकते हैं। ये तस्वीरें पानीपत के बरसत रोड से श्री राधा कृष्ण गौशाला सेवा ट्रस्ट की देख रहे हैं। ये देखिए, ये गाय का चारा है, गुड़ पड़ा है, आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में पानीपत में पहली बार एक ऐसा प्रयास किया गया है जो वाकई में जो है काबिले तारीफ है। ये देखिए आप इधर, ये दाल पड़ी है, शक्कर पड़ी है और साथ में गुड़ आटा पड़ा है, ये सब आज गौओं के लिए हैं। और इस साइड देखिए आज गौओं की किस तरह जो है पूजा हो रही है। होना तो ऐसा चाहिए था कि आज जो सत्ता में गौओं का नाम लेकर जो सत्ता में आए हैं उन्हें ये काम करना चाहिए था, लेकिन वो लोग आज गायब नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए आज गाय की किस तरह जो है आज सेवा की जा रही है। गोपाष्टमी हर पूरे देश में ये त्यौहार जो है मनाया जाता है, लेकिन इस ढंग से मनाया जाए ये पहली बार जो है हो रहा है। ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, असल में जो सेवा होती है ये होती है गौओं की सेवा। और ये गौशाला जो है पूरे हरियाणा में नंबर वन गौशाला जो है आज ये बनी है, और एक छोटा सा प्रयास था जो आज यहाँ तक पहुँचा। ये देखिए कंबल जो है गौ माता को उड़ाया जा रहा है, और ये प्रयास जो है वाकई काबिले तारीफ है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के बरसत रोड से ये लाइव तस्वीरें जो हैं आप लोग देख रहे हैं, और ये देखिए पूरे तरीके से जो है आज गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस तरह की सेवा जो है, सेवा भाव आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और ये सेवा भाव करने का तरीका बहुत बढ़िया है। आपको बता दें कि पहले भी इस गौशाला में हम लोग आपको समय समय पर तस्वीरें जो हैं दिखाते आए हैं। हजारों जो गाय हैं यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी, आज इनका त्यौहार है। और असल में गौओं को, गौओं की सेवा करने का असल में यही जो है फल राजीव जैन को मिला। राजीव जैन और उनकी पूरी टीम जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर लगी हुई है, और समय समय पर हम लोग आपको लाइव तस्वीरें जो हैं दिखाते होंगे। एक भव्य गौशाला जो है सरकार ने जो तैयार करवाई थी, हमारे नेताओं ने तैयार की थी, उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। बिल्कुल ये एक भव्य गौशाला जो है बिल्कुल इसके साथ हैं। उसके बदले में आप उसको देखोगे तो ये गौशाला जो है फीकी आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि वो अंडरग्राउंड जो है गौशाला बनी हुई है, वो किसी को नज़र नहीं आती। शर्म आनी चाहिए उस नेताओं को जो बड़े बड़े दावे तो करते नज़र आए, लेकिन दावे उनके कैसे फेल हुए हैं वो आप लोगों तस्वीरों में आपको दिखाया होगा हमने पहले भी। और ये देखिए, ये आज एक त्यौहार की तरह जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। गौओं की जो है सेवा बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे सेवा भाव से ये तरीके जो हैं सेवा की जा रही है। और ये देखिए जो इंसानों के लिए चीज़ें होती हैं, जो भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, वो आज गौओं को 56 भोग जो है लगाया जा रहा है। आज गौ माता भी कहती होगी कि मतलब ऐसी ज़िंदगी जो है हर किसी को दो। एक दूसरा तस्वीरें ये भी हैं कि गौएँ जो हैं सड़कों पर, गौवंश जो है सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। एक पहली नज़र में आप यहाँ देखोगे, आप देखोगे कि वाकई जो है इसे ही सेवा भाव कहते हैं। ये देखिए कितनी सफाई जो है यहाँ पर रहती है इस गौशाला में, और आज सेलिब्रेशन हो रहा है, इन गौओं का त्यौहार है, तो जाहिर तौर पर आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं आज अपने आप को भी धन्य मान रहे हैं और सोच रहे होंगे कि वाकई जो है ऐसा त्यौहार होना चाहिए। राजीव जैन से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं इस मामले में। तो ये राजीव जैन है, पहले भी आप लोगों को मिलवाया होगा। भाई पहले तो बधाई इस चीज़ के लिए, आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज गौएं सोच रही होंगी कि वाकई आज हमारा दिन है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा था कि शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो गौओं के नाम पर सत्ता पे तो आ गया, त्यौहार तो आज उनको मनाना चाहिए था। नहीं, हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करते, क्योंकि हमें तो सामाजिक काम करना है। हमारे साथ सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारा भाव था कि इन गौ माता की सेवा करें। ये मूक प्राणी है, ये मुँह से कुछ बोलते नहीं, साल में एक दिन इनका होना चाहिए। आज तो गोपाष्टमी का दिन है, इतना भव्य त्यौहार है, आपके सामने देखे कैसे लोग आ रहे हैं,
अपने सुबह से यहाँ तांता लगाओ पब्लिक का। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट की, यहाँ पर आज कोई नेता नहीं दिख रहा बड़े वाला। नहीं, आज हमने किसी को नहीं बुलाया, किसको जिसको आना है। गौ माता के द्वार खुले हैं, हमने पर्सनली किसी को भी एक जने को भी फोन नहीं किया। अच्छा, जो पीछे गौशाला बनी हुई अंडरग्राउंड बनी हुई है, जो नेताओं ने और विधायकों ने बनाई है यहाँ पर, वो आप सबको पता है, यहाँ पर कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ। यदि कोई कार्यक्रम या काम होता तो ये गौशाला और भव्य रूप ले लेती। अच्छा, ये क्या सोचा गया दिमाग में, 56 भोग? तो अमूमन सुना है कि भगवान को भोग लगाते हैं, ये गौओं को आज लगा रहे हैं। ये तो देखो, आप सबको पता है 36 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण भगवान का नाम से पहले गौ माता का नाम आता है। इनको तो देवी माँ की तरह हम पूजते हैं, जब भी हम इनकी सेवा करते हैं। सभी प्राणी गौ माता को दिल से जाते हैं और दिल से पूजते हैं। इनमें तो भगवान सब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, इसलिए तो कहा गया है, तो इनका पूजन तो अनिवार्य है। ड्राई फ्रूट भी मंगाया गया स्पेशल, जब भी हम कोई भोग लगाते हैं ड्राई फ्रूट फल फ्रूट, ये 56 भोग में सबसे पहले प्रथम शुद्ध मेवा जिसे हम बोलते हैं पहला प्रकार होता है ये भोग का। अच्छा, राजीव जैन की टीम के भी लोग खड़े हैं जी, आप बताओ कैसा लग रहा है, पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है? ये हमने बहुत अच्छी पहल की है गौशाला में, शायद पानीपत में किसी गौशाला में ऐसी पहल नहीं की होगी कि 56 भोग का प्रचार लगाया जाए, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता इन गाँवों में वास करते हैं। जो 33 करोड़ देवी देवताओं का आज पूजता है, उसे गौ माता का पूरा आशीर्वाद रहता है। अच्छा, ये अब परंपरा ही चल पड़ी होगी, अब तो हर साल करेंगे आप ये काम? इससे पहले भी हमने किया था, लेकिन इतने विशाल रूप में नहीं किया था। आज हमने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर, हमने सारे सब तरह के डॉक्टर हैं जो बिल्कुल निःशुल्क हैं वो बैठे हुए हैं। आज भंडारे का सेवन है, भजन संध्या के लिए 3-4 हमारे पास बाहर से टीमें आई हुई हैं जो भजन का प्रोग्राम किया हुआ है, और इसको आगे भी आई साल करेंगे, हम इसे भी भव्य रूप में करेंगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि निगम में बैठे जो नेता है वो थोड़े से दुखी इस बात को लेकर हैं कि राजीव जैन आने वाले टाइम में कब्जा कर लेगा, यहाँ पे दुकानें कटेंगी, धर्मशालाएं कटेंगी। ये आपको ही पता है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार गौ माता की जमीन पे कोई भी पर्सनल, कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई सरकार कब्जा नहीं कर सकती। और यहाँ पर तो सैकड़ों लोग जुड़े हैं इस गौशाला से, सैकड़ों लोग सदस्य हैं, एक आदमी का कैसे वर्चस्व हो सकता है? आपके सामने इतने लोग जुड़े हुए हैं दिल से, तो ये तो गौ माता के लिए, और हम गौ माता के लिए तो इतने प्रयास कर रहे हैं, कोई अदर एक्टिविटी कैसे कर सकता है कोई यहाँ? चलिए एक बार तस्वीरें फिर से दिखाऊँ, बरसत रोड पर जब आते हैं ये श्री राधा कृष्ण, आपको भव्य गौशाला जो है यहाँ पर मिलेगी। मेडिकल की सेवा जो है आज वो चल रही है, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, एक अच्छा प्रयास जो है किया जा रहा है, अपने हाथ से जो है गौओं की सेवा की जा रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, और ये ऐसा खाना दिया जा रहा है जो मतलब वाकई में जानवर नहीं इंसान ही खाते हैं, और ये आज गौ माता के लिए आज ये देखिए फ्रूट जो है वो काटा जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट जो है वो काटा जा रहा है, और साथ में ड्राई फ्रूट और अन्य जो चीज़ें हैं। इस साइड मेडिकल कैंप जो है चल रहा है, और आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे पीछे भजन संध्या जो है वो भी चल रही है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ड्राई फ्रूट ये चीज़ें जो हैं आमतौर पर बड़े लोगों के लिए होती है, तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश जो है दे रखा है। अनजाने में हो रही गौ हत्या के दूर से बचें, सब्जी का कचरा खाने पीने की वस्तुएं पॉलिथीन की थैली से बाहर निकाल कर ही डालें, ये एक बड़ा अच्छा प्रयास किया गया। क्या कहना जी, आज इस तरह का त्यौहार पहली बार ही मनाया, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि गौओं की हत्या अनजाने में हो रही है हमसे, जब हम खाना उन्हें देते हैं साथ में वो पॉलिथीन भी खा लेती हैं। हमारी गौशाला में जब गौएं बाहर से आती हैं वो बहुत जल्दी बीमार होती हैं, तो बहुत सारी गौओं की यहाँ सर्जरी हुई जिसमें हमने देखा कि इतना पॉलिथीन उनके अंदर निकला। कहीं ना कहीं गौओं की हत्या और उनकी बीमारी का कारण सबसे बड़ा पॉलिथीन बन रहा है। मेरी सब लोगों से यही अपील है, लोग खाना दें पॉलिथीन हटा के दें, पॉलिथीन आप बाहर जाके डस्टबिन में डाल दीजिए, सिर्फ खाना गौओं तक जाए। बहुत अच्छा संदेश, बड़ा अच्छा संदेश जो है, प्यारा संदेश जो दिया है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, बरसत रोड से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।